दोस्तों हमें अपने किसी भी वीडियो में, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो, अगर हमें उसमें सबटाइटल या फिर कैप्शन ऐड करना होता है तो उसको मैनुअली टाइप करके हमें वन बाई वन करना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगा जिसमें केवल आप एक क्लिक में अपने किसी भी शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो में जो सबटाइटल या फिर कैप्शन है उसको ऐड कर पाएंगे, है ना। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ब्रिजेश और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चले गाइस देखते हैं कि आखिर हम लोग कैसे केवल एक क्लिक में किसी भी शॉर्ट या फिर लॉन्ग वीडियो में कैप्शन ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। तो चलिए मैं अंदर की वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो कि आपको प्ले स्टोर में काफी आसानी से मिल जाएगा। आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, जाना है सर्च बार में और यहाँ पे टाइप करना है ऑटोमेटिक सबटाइटल एंड कैप्शन। आपको इतना लिख के सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने जो फर्स्ट में ऑप्शन दिखाई देगा, जो आपको फर्स्ट में एप्लीकेशन दिखाई देगा, आपको उसी को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा है तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आखिर आप एक क्लिक में अपने किसी भी वीडियो पर कैप्शन लगा सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे ये ओपन होगा, आपको डरना नहीं है कि यहाँ पे अपने को प्रीमियम वगैरह देना है, पैसे रुपए लगेंगे। आपको यहाँ से इसको कट कर देना है ऊपर से, है ना। मैंने काफ़ी बार यहाँ पे कैप्शन लगाया है वीडियो में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप कट करके आगे बढ़ सकते हो, है ना। यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट प्रोजेक्ट। आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर एक वीडियो चूज कर लेना है जिस वीडियो में आपको कैप्शन लगाना है। तो मैंने अभी एक वीडियो ऐसे जनरेट किया था, AI वीडियो। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऐड आता है, इसको आप मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि देखिए फ्री में आपको ये सर्विस दे रहा है तो थोड़ा सा आपको ऐड एक दो ऐड देखना पड़ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम यहाँ से इसको स्किप कर देंगे, है ना। तो यहाँ से बस ये कट हो गया। ये देखिए मैंने अभी एक AI वीडियो जनरेट किया है। अगर आपको भी सीखना है कि कैसे AI वीडियो को जनरेट करते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके या फिर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके सीख सकते हैं कि कैसे आप AI वीडियो को जनरेट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे अपलोड कर सकते हैं। देखिए बात करते हैं यहां पे कि कैसे आखिर हम इस वीडियो पे कैप्शन लगाएंगे। देखिए हमने यहां पे इस वीडियो को अपने इस एप्लीकेशन में ले लिया है, यहां पे ओपन कर लिया है। देन आपको क्या करना है कि यहां पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर से छोटा सा ऐड आएगा जो कि 3-4 सेकेंड का है। ऐड को हम यहाँ से ऊपर से स्किप कर देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपके एप्लीकेशन में कोई और जो कंट्री वगैरह सेलेक्ट है या फिर जो लैंग्वेज, यहाँ पे जो लैंग्वेज आप जो चाहे ना, यहाँ पे जो भी आप लैंग्वेज चाहे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ जो कि अपने इंडिया का है। फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वेट करने के लिए बोल रहा है, यू आर इन क्वी, यहाँ पे 9 सेकेंड का टाइम लेता है, थोड़ा सा अपने को वेट करना है क्योंकि देखिए अगर हमें थोड़ा सा शॉर्टकट चाहिए तो थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा, है ना। और देखिए यहाँ पे हमारा जो कैप्शन है रेडी हो रहा है, वीडियो उस वीडियो में है उसका यहाँ पे कैप्शन तैयार हो रहा है। अब देखिए हमारा जो कैप्शन है फाइनली तैयार होके यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ गया है। अब देखिए जो हमारा कैप्शन है, जो हमारा टेक्स्ट है, इसको हम लोग यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कुछ कुछ चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो कैप्शन है इसमें बहुत सारा आपको फॉन्ट मिल जाएगा, जैसे ये बोल्ड फॉन्ट है, कार्टून 1, कार्टून 2, कार्टून 3। तो आप यहाँ पे कोई भी फॉन्ट अपने हिसाब से चूज कर लेना। मैं यहाँ पे बोल्ड चूज कर लेता हूँ। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको क्या नाम है इसका जो फॉन्ट चूज करना है तो आप बोल्ड और कार्टून 1, कार्टून 2 सेलेक्ट करना, काफ़ी बेहतरीन इसकी क्वालिटी आती है। उसके बाद आप यहाँ पे साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो, मेरा साइज सब कुछ ठीक है। आपको यहाँ पे स्ट्रोक ऑप्शन मिल जाता है, आप स्ट्रोक को एडजस्ट कर लेना। शेडो मिल जाता है, है ना। तो यहाँ पे आपको कॉलम ही मिल जाएगा, आप कितने कॉलम में इसको रखना चाहते हो तो अपने हिसाब से रख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे सब कुछ मेरा लगभग सेट हो गया है। ये टेक्स्ट पैरामीटर है, इसको आप अप डाउन कर सकते हो कितना बड़ा रखना चाहते हो मेरे हिसाब से। और ये इसको मैं थोड़ा सा नीचे करना चाहता हूँ तो नीचे कैसे होगा, ये देखिए ये है ना पोजीशन वाई, इसको आप जो टेक्स है इस प्रकार से थोड़ा सा नीचे की ओर कर सकते हो, है ना। अब देखिए फाइनली जो मेरा टेक्स वगैरह सब कुछ रेडी हो गया है, अब मुझे इसको सेव करना है तो मैं ऐड सबटाइटल पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा देखेंगे कि जो कैप्शन है कुछ इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। ये देखिए देखिए यहाँ पे क्या है कि मैंने कोई भी
कैप्शन जो है टाइप नहीं किया मैनुअली, ये सब ऑटोमेटिक आया हुआ है। तो इसी प्रकार से आप भी इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके इस प्रकार से कैप्शन लगा सकते हैं। और अपने को इसको डाउनलोड करना है तो क्या करना है कि ऊपर में एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड का, आपको इस पर क्लिक करना है और ये एक्सपोर्ट होगा हमारे फाइल में कुछ देर के बाद। तो थोड़ा सा आपको फ्यू सेकेंड फ्यू मिनट वेट कर लेना है, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो वीडियो है हमारे वीडियो वाले सेक्शन में आ गया है। यहाँ से इसको हम प्ले करके देख लेते हैं। देखिए हमारा जो वीडियो इस प्रकार से तैयार हो गया है। होप करता हूँ गाइज आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो अपनी ओर से एक लाइक जरूर कर देना, और हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे भी इसी तरह की जो नई वीडियो का नोटिफिकेशन है ना काफ़ी आसान तरीके से मिलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।